केशु क्या हो रहा है? को छोड़ दे। केशु क्या हो रहा है? वो दिलरुबा का बच्चा प्रेमा जी का गला गवा रहा है कुकी। मुझे जाना पड़ेगा। चुप हो जाओ। जाना पड़ेगा। चुप हो जाओ। अभी इस वक्त वहाँ गए तो दिलरुबा प्रेमा को छोड़कर तुम्हारा गला घोट देगा। तो बात नहीं, मैं फोन करके जान लेता हूँ। केशु रात के 2 बजे है, चुपचाप सो जाओ। नहीं कुकी, फोन करके मुझे जानना पड़ेगा तुम सब कुछ ठीक है कि नहीं। मरो। आप कोकी जी को कुएं में धक्का दे रहे हैं। मैंने सपना देखा कि तू प्रेमा जी का गला दबा रहा है। मैं मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ। अच्छा सुनो, जरा कोकी जी को फोन देना। छोड़ो, मैंने फोन छोड़ो। प्रेमा जी क्या हो रहा है? छोड़ो। प्रेमा जी क्या हुआ? छोड़ो। प्रेमा जी आप ठीक तो है कि नहीं? प्रेमा जी केशव चुप हो जाओ, नहीं तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल फोन करना पड़ेगा। वो गला दबा रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। सो जाओ बिल्कुल। मैं तो बाथरूम में गा रहा था, मैं तो नाश्ता बना रहा था। देओ, गाना बंद करो और मेरे साथ मेरे डायलॉग्स की रिहर्सल करो। आजकल बिना होमवर्क के मैं बहुत ज्यादा रीटेक्स दे रही हूँ शूटिंग में। पहले ये होमवर्क तो कर लो। कौन सा होमवर्क? नाश्ता। ओह शट अप, इसे वहां रखो और ये लो, यहाँ से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। ओके, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मियाँ का रोल कर रही हो या बीवी का। शट अप, डायलॉग पढ़ो। ओके, तुम बीवी हो या मेरी दुश्मन? आमीन। डायलॉग, मैं डायलॉग पढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं एक्टिंग करता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। ओके सॉरी। तुम बीवी हो या मेरी दुश्मन, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आगे बोलो। बोलो आगे बोलो, तुम्हारा डायलॉग है, तुम बोलो। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। क्या हुआ? Oh, no. पत्नी को जिंदा जला दिया। माँ को बेटे ने मार डाला। ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है? क्या हुआ केशु, तुम रो क्यों रहे हो? ए चिंटू, कहीं तूने डैडी को मारा तो नहीं ना? आज तो नहीं मारा, न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते रोने लग गए। न्यूज़पेपर? क्यों केशु, कोई भयानक खबर पड़ी क्या? हाँ, या फिर तुम्हारी प्रेमा जी की कोई नई फिल्म फ्लॉप हो गई? तो फिर क्यों रो रहे हो? ये पढ़ो पर्यटन मंत्री की विदेश यात्रा। ये पढ़ो। ओ, पत्नी को जिंदा जला दिया, बीवी की हत्या, पति फरार। कितना अन्याय हो रहा है महिलाओं पर कोकी। वो तो सदियों से हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। इस देश की महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं नारा लगाऊंगा कोकी। आज से मैं हर महिला का दोस्त हूँ। गंगा मौसी, सिर्फ इस महिला को छोड़कर। क्यों गंगा, तुझे कैसे पता चला हम नाश्ता कर रहे हैं? ये ले आधी बिस्कुट खा ले। मजाक की भी कोई हद होती है। और नहीं तो क्या केशु, चुप करो। क्या हुआ गंगा मौसी? कोकी पता है अभी अभी मैंने क्या सुना? क्या? प्रेमा शालिनी और दिलरुबा का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। हाँ, दोनों जोर शोर से झगड़ रहे थे और पता नहीं एक दूसरे को क्या क्या गालियां दे रहे थे। क्या क्या? और दिलरुबा कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और प्रेमा शालिनी भी रो रही थी, चिल्ला रही थी, मार डालो। आगे क्या हुआ गंगा मौसी? आगे वो तरकारी वाला आ गया ना, तो आगे का हाल मैं नहीं सुन सकी। फिर क्या, वो भिंडी का भाव 30 रुपए किलो। 30?
ये गंगा मौसी को कोई कुएं में क्यों नहीं धकेल देता? चुप करो केशव, चुप करो। चलो गंगा मौसी, हम अंदर बेडरूम में चलते हैं। मैं भी जरा बाहर जाके आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं प्रेमा जी के घर जाकर देख कर आता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तुम उनके निजी मामले में क्यों दखल अंदाजी करते हो? क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है, किसी भी महिला पर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं नारा लगाना चाहता हूँ। ये मेरा फर्ज है, आज से मैं हर महिला का दोस्त हूँ। और इसके बाद हीरो हीरोइन को मारता है और हीरोइन कहती है, आ नहीं जा, आ नहीं बाबा जा जा। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो फिर उई बोलो ना, उई माँ बोलो, या आ क्या कर रही हो? तुम्हें एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए मेरे से। शट अप दिल, जाओ बालकनी से नीचे जाकर देखो ड्राइवर आया है क्या। लगता है शूटिंग जाने से पहले मुझे डेंटिस्ट क्या जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अभी। ओके डॉल, यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा हो गया। हो गया नहीं तो खुद आके देख लो ना। क्या है? देखो इतना बड़ा पेड़ आ गया, बीच में कुछ नहीं दिखता। तो इसे काट दो ना। हाँ, तुमको मालूम है आजकल अगर पेड़ काटो तो बिल्डिंग वाले 5,000 का फाइन मारते हैं। तो मैंने कब कहा कि पेड़ काट दो, वो तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। सिर्फ टहनी है ये, टहनी को काट दो। वो माली है ना, उसकी कुल्हाड़ी लेकर इसको काट दो। ठीक है, अच्छा सा मौका ढूंढ के काट दूंगा। लेकिन मेरे दांत का दर्द नहीं जाता। दे अच्छा दिखाओ तो, दिखाओ। देखो देखो देखो, प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, ये क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? नहीं। क्यों बे मोटे, तूने प्रेमा जी को मारा तो नहीं? मारा मैंने, मारा। क्या उखाड़ लेगा तू? क्या उखाड़ लूंगा मैं? अरे मैं तेरा हाथ उखाड़ लूंगा। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। केशव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रेमा जी, आप इनसे दूर रहिएगा। क्यों? अरे कल रात को मैंने एक सपना देखा था प्रेमा जी, जो सपने में ये दिलरुबा का बच्चा आपका गला दबा रहा था। इसीलिए रात के 2 बजे आपने मुझे टेलीफोन किया था? हाँ प्रेमा जी, हाँ। केशव जी, इससे तो बेहतर होता आप खुद नीचे आके रात को मेरा गला दबा देते। प्रेमा जी आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपका हमदर्द हूँ, आपका दोस्त हूँ। रात के 2 बजे हमदर्दी की नहीं, नींद की जरूरत होती है। मैं क्या करूं प्रेमा जी, मेरे ब्यूटी स्लीप को डिस्टर्ब किया। मैं क्या करूं, क्या करूं? आपकी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते प्रेमा जी। तेरा हो गया ना, तूने अपनी एक्टिंग झाड़ ली ना। चल निकल अब यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। अबे जा ना, जा यार, मत लगाना, बोल रहा हूँ। गेट आउट, गेट आउट। अभी बीच के सारे सीन्स छोड़ दो, क्लाइमैक्स के सीन की रिहर्सल करते हैं। बेवफा, उल्टा कुलक्षणी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मैं तेरा गला दबा दूंगा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? क्या नहीं, तू फिर आ गया तेरी। Got it, got it, got it, got it, got it ना, got it. Then get out, get out. अगर अभी आया ना तो टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। निकल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से, निकल। डॉल, ये क्या आदमी है? तुम क्यों उसका मुंह लगाती हो? तो फिर क्या करो? तुम मुझे मुंह लगाओ ना। क्यों? मैंने तो आज ब्रश भी किया है। रियली रियली। कोकी, मैं जा रहा हूँ। ये लो तुम्हारा टिफिन। हाँ, और सुनो कोकी, प्रेमा जी का जरा ख्याल रखना। क्यों? कोई चीख भीख सुनाई दे तो पुलिस को फोन करना। लगता है फिर से तुम्हारा दिमाग घूम गया। मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना एक मासूम पड़ोसन पर अत्याचार होने का डर है। अत्याचार तो मुझ पर हो रहे। चुप रहो। डैडी, डैडी। हाँ चिंटू, क्या खबर लाए हो? अरे डैडी, मुझे लगता है दिलबुरा अंकल ने प्रेमा आंटी को बहुत मारा है। हाँ, उनका गाल भी सूज गया है। ओह नो, चलो हटो, 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 चलो, चलो। अभी ये खबर देनी थी तुझे, इडियट। प्रेमा जी, अरे ये क्या हुआ, आपका गाल फूल क्यों गया? क्या हुआ प्रेमा जी, झगड़ा हुआ? दिलरुबा के बच्चे ने मारा, बताइए मैं उसका सर तोड़ दूंगा। ये क्या हो गया प्रेमा जी? हे भगवान, दिलरुबा के बच्चे को कभी मत छोड़ना, उसको नरक में डालना। मेरी प्रेमा जी पर हाथ उठाता है वो, चली गई। दिलरुबा का बच्चा माली के साथ? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मालिका का,
मैं तुम्हें पूरे 50 रुपए दूंगा। नहीं नहीं साहब, सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा मालिकाना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन शाम तक ये कुल्हाड़ी मेरे घर में होनी चाहिए। ठीक है साहब, थोड़ी देर में कुल्हाड़ी आपके घर पर मैं पहुँचा देता। वेरी गुड वेरी गुड। और सुनो, जरा तेज धार वाली हो। फिकर मत करो साहब, ऐसी कुल्हाड़ी भेजूंगा कि एक चटके में 2 टुकड़े। लेकिन किसी को बताना मत, वरना एक चटके में मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं मेरी जबान कट जाएगी फिर भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कमाल है, लेकिन मुंह खुले बिना तुम्हारी जुबान कटेगी कैसे? आपको यकीन नहीं आता है ना तो आप मेरी झोपड़पट्टी में आकर पूछिए। मेरे पड़ोस वाले सेठी भाई ने अपनी बीबी का गला घोंट दिया मेरी नजर के सामने, लेकिन सिवाय झचके मैंने किसी को नहीं बताया कि सेठी भाई ने अपनी बीबी का खून कर दिया। अच्छा, तो फिर सेठी तो आजकल जेल में होगा ना? नहीं 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 नहीं, उसको तो फांसी लग गई है। कमाल है, लेकिन लेकिन तुमने जज के सामने अपनी जुबान क्यों खोली? क्योंकि सेठी भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए। बस इतनी सी बात देते हैं? लो यार कमाल है, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, नाराज मत हो। ये लो पहले 50, ये लो दूसरा 100 भी लो। ओके, शाम को पहुंच जाएगी। बाहर जरा। तू नहीं जानता गोखले, इस देश की महिलाओं पर कितना जुर्म हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। हाँ यार, मुझे इस मामले में कुछ करना पड़ेगा गोखले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच कह रहे हो तुम केशव, मुझे कुछ करना पड़ेगा गोखले, कुछ करना बात पड़ेगा। सुन लो केशव, अरे आजकल घर में कपड़े बर्तन मैं ही धोता हूँ। अच्छा, कल तो मैंने बीवी के पांव भी दबाए। अरे मैं बीवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। पैसे देते हैं नहीं मारू तुझे गोखले, वो देख तू शराबी अपनी बीवी को मार रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाने दे यार, जाने दे, जाने दे, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना? जाने दे, जाने दे, बैग पकड़ो। ऐसे होती यार, कौन है, क्या कर रहा है? औरत पे हाथ उठाता है तू? तुम्हें क्या करना है? अबे क्या, अरे मार दे। क्यों मेरे पति को मारता है? अरे वो तेरे को मार रहा है ला? तो तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ? वो मेरा पति है, मुझे मारेगा नहीं तो काटेगा, तेरे को क्या करने का है? ए, चल फुट 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 चल, ए तेरे को लगा नहीं तू मार मेरे को, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। अपने पति का गला दबा दिया। केशव, केशव तुम महिलाओं पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो ना? यस। पड़ोस वाले डिपार्टमेंट की एक महिला तुम्हें मिलने आई है। ओहो, बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ। आइए। नमस्ते, 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 नमस्ते जी, बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिसेस बिहारी। ओहो मिसेस बिहारी, कहिए क्या तकलीफ है आपको? बहुत परेशान हूँ मैं, बड़ी दुखियारी हूँ। अच्छा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। परेशान? एग्जैक्टली कैसे परेशान करती है आपको? अरे दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है और बड़बड़ाती रहती है कि जब से ये चुड़ैल, चुड़ैल यानी कि मैं घर में आई हूँ, मेरा बेटा हाथ से गया। ओहो, मिसेस बिहारी, इस बारे में आपके बेटे का क्या कहना है? मेरा मतलब है आपके पतिदेव का क्या कहना है? क्या कहेगा, एक नंबर का निकम्मा है, दिन रात माँ की सेवा ही करता रहता है। अब आप भी बताइए भला, इस जमाने में 80 साल की माँ की सेवा कोई करता है? आपको कोई वृद्धाश्रम का पता मालूम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्यों, आप जाना चाहती हैं? नहीं, मेरी सास को वहाँ भेज दूंगी। ओह, नहीं तो एक दिन जरूर तकिया उसके मुंह पे जाएगा मेरे हाथ से। और क्या क्या तकलीफ है आपको? दूसरी भी बड़ी परेशानी है। आप बताइए। मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। अच्छा, आपको बहू भी है? जी। सास भी कभी बहू थी? कैसे परेशान करती है आपकी बहू? मेरे बेटे को उसने बहकाया है। ओह। अरे मेरा बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता। और कल रात दबी आवाज में मेरी बहू से मेरा बेटा क्या कह रहा था मालूम है आपको? मुझे कैसे मालूम होगा, आपको कह रहा था। मेरा बेटा कह रहा था माँ को रिटायर तो होने दो, उसको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, चलिए मैडम, मैडम प्लीज। ऐसे रो रही थी, कोई सुनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? केशव, दूसरी औरत का अंदर बुलाओ। नहीं गोखले, नहीं, इस देश की औरतों की सहायता करना मेरे बस की बात नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ प्रेमा शालिनी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। क्यों, उन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे दिलरुबा का बच्चा प्रेमा जी का खून करने वाला है। क्या? हाँ,
अरे नहीं यार, ये किसी फिल्मी प्रोड्यूसर का स्टंट होगा। नहीं कोकी, मैंने अपने कानों से सुना है, आज सुबह प्रेमा जी और दिलरुबा जी के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया था और प्रेमा जी दुखी होकर घर छोड़कर चली गई। क्या कह रहे हो? हाँ, और बाद में मैंने देखा दिलरुबा का बच्चा हमारी सोसाइटी के मालिक के पास कुल्हाड़ी मांग रहा था। कुल्हाड़ी पूछो क्यों? क्यों? वृक्ष देवी, वृक्ष। डैडी, डैडी, क्या खबर लाए हो चिंटो? पता है क्या, दिलरुबा अंकल ना अपनी बालकनी में पेड़ काट रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहा है। पकड़ इसे, पकड़। मम्मी, कोकी। हाँ, क्या हो? क्या क्या हो? देखो, क्यों रुक क्यों गए? चालू रखो प्रैक्टिस। एक झटके में दो टुकड़े हैं। इसे कैसे मालूम पड़ा? चुप केशु, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। दिलरुबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। देखा, भाग गया। प्रैक्टिस कर रहा था, एक झटके में दो टुकड़े, काम तमाम। बड़ा भारी पेड़ था, डॉल ने कहां फंसा दिया ये। आया, आई मीन लिया। हेलो। प्रेमा जी है क्या? आप कौन? प्रेमा जी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? कहीं तो केकू तो नहीं बोल रहा, आवाज बदल के। नहीं नहीं नहीं, अबे साले एक्टिंग भी नहीं करनी आती। वही बदमाश था। चिंटू बेटे। क्या है डैडी? चिंटू बेटे, तुम मेरे काम करोगे? मैं फोकट में काम नहीं करता। काम नहीं करता, कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए गेम ला दूंगा। ओके, अब करोगे? हाँ, बोला बोला। देखो चिंटू बेटे, प्रेमा आंटी के घर जाओ और वहां जाके देखो प्रेमा आंटी है या नहीं। अगर प्रेमा आंटी नहीं है तो दिलरुबा का बच्चा क्या कर रहा है वो देखो। करमचंद। करमचंद। ओके ओके, मैं काला चश्मा पहनकर जाऊं? हाँ, जो पहनना है पहन लो बेटे। होशियार है मेरा बेटा, होशियार है। ओह माय गॉड, सारी की सारी सॉस गिर गई। डालनी कहाँ है और डलती कहाँ है? कौन आ गया इस वक्त? कौन आ गया? अगर पकड़ा गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। चिंटू आओ बेटा, क्या है? बेटे वो शूटिंग पे गई हैं, अभी आने वाली हैं। तुम सैंडविच खाओगे? नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर जाओ। सुनो, तुमने यहाँ पर जो भी देखा है ना, वो तुमने नहीं देखा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ये चॉकलेट लो और अपना मुंह बंद रखना, दैट्स ऑल। ओके, गुड बॉय। यार मेरा तो जाना यार। ओ, ये चिंटू अब तक क्यों नहीं आया? अरे आओ चिंटू, आओ, क्या खबर लाए हो? चिंटू नहीं, करमचंद। आओ, क्या खबर लाए हो? प्रेमा जी घर पर है? नहीं, प्रेमा आंटी घर पर नहीं है। तो डॉल की ड्रेस। प्रेमा जी का ड्रेस? इसका मतलब उसने काम तमाम कर दिया। चिंटू, करम, तुमने और क्या क्या देखा? एक खुलाड़ी देखी। खुलाड़ी देखी? और क्या क्या देखा? इतनी बड़ी पेटी देखी। कितनी बड़ी पेटी? आप जिसमें सो सकते हो। और क्या क्या देखा करम? और क्या क्या देखा तुमने? खून, खून। केशव फोन क्यों नहीं उठाते? हेलो कोकी जी, अब तक कहाँ थी आप? दिलरुबा जी, क्या है? दरअसल बात यह है कि आपके पास कोई बड़ी रस्सी है। अपने पास बड़ी रस्सी है? मैं जानता हूँ उसे क्यों चाहिए, पेटी बांधने के लिए चाहिए होगी। पूछो उसे, पूछो। दिलरुबा जी, आपको क्यों चाहिए? दरअसल एक पेटी बांधनी है, मेरे पास रस्सी है लेकिन जरा छोटी है, बड़ी मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
एक बड़ी पेटी बांधनी है कस कर। ना कह दो, ना कह दो। दिलरुबा जी हमारे पास नहीं है इतनी बड़ी रस्सी। हाँ सॉरी बाय। हेलो हाँ कोकी हाँ, आज सुबह दिलरुबा का बच्चा माली से एक कुल्हाड़ी ले रहा था। हा? उस कुल्हाड़ी को उसने पहले पेड़ पर आजमाया होगा और बाद में प्रेमा जी के गले पर, और अब बालकनी में प्रेमा जी के कपड़े सुखा रहा है। काम तमाम कर दिया। मुझे तुम्हारा डर लग रहा है, क्या हो गया तुम्हें? पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस। डैडी नंबर तो डायल करो। नंबर तो डायल करो। मैं ये डॉल का ड्रेस अंदर टांग दू, नहीं तो बारिश में गीला हो जाएगा। अब कौन आ मरा? मिस्टर दिलरुबा आप हैं? जी, जी जी। क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? क्यों? इन्हें शक है कि आपने खून किया है। खून किया है? हाँ। मैंने जी। मैं तो लाल रंग देखते ही बेहोश हो जाता हूँ, खून क्या करूँ? झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। ही इज अ मर्डरर, ही इज अ किलर। ये देखिए इंस्पेक्टर, इस पेटी को देखिए, खून के डब्बे हैं। देखिए ये खून नहीं है, टोमेटो सॉस है। मैं चाट के देख, चाट ये देख। ये पेटी में क्या है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इस पेटी में इनकी बीवी की, प्रेमा जी की लाश है। नहीं, 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 इंस्पेक्टर पेटी खोलिए। नहीं 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 नहीं, पेटी खोलिए। नहीं 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 खोलूंगा, बड़ी मुश्किल से बनती है। आप पेटी खोलते हैं, मैं तोड़ दूं इसको। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे एक बार तो कुल्हाड़ी मारी है इसने, आप दूसरी बार मारेंगे। इस पेटी में प्रेमा जी की लाश के टुकड़े हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं है इसमें। पेटी खोलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ये देख, ये लाश है क्या? अरे ये तो लकड़ी के टुकड़े हैं। लकड़ी के टुकड़े? हाँ। इसका मतलब लाश अलमारी में होगी, लाश अलमारी में होगी। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी पागल हो चुका है, मेरी बीवी शूटिंग पे गई है। झूठ बोल रहा है, इज अ मर्डरर, झूठ बोल रहा है। क्या माँ जी शूटिंग से वापस आ गई है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या प्रूफ है? देखिए इंस्पेक्टर, प्रेमा जी की ड्रेस, प्रेमा जी की ड्रेस को देखिए, आप पहन के देखिए। इसी ड्रेस को पहन के प्रेमा जी शूटिंग के लिए गई थी। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर साहब उसके पास ऐसे दो ड्रेस हैं। देव ये मेरी ड्रेस के साथ आप क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी जिंदा है, प्रेमा जी आप जिंदा है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये रहा दूसरा ड्रेस। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब कि दो दो ड्रेसेस हैं। तूने कब कहा था? तूने कब कहा था? दिलरुबा जी कानून अपने हाथ में मत लो। ये कानून नहीं है, ये केशव कुलकर्णी है। केशव कुलकर्णी कौन है? ये है, मैं हूँ। आपकी बीवी का फोन आया था। क्यों? हम पागल खाने से आए हैं। चलो।